दैट देर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच ये भी हमने किया हमने बोला कौन कौन सा इसके बाद मैंने आपको कहा नाउन की डेफिनीशन मैंने एक्सप्लन की थी आई एक्सप्लैन एट द डेफिनीशन ऑफ नाउन इसके बाद uh, मैंने आपको एग्ज़ैम्पल्स भी दी थी इसकी जो ऑलरेडी आपने देखी है जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया इसके बाद हमने एडजेक्टिव uh, मैंने आपको बोला वाट इज़ एन एडजेक्टिव मैंने आपको बोला दैट एडजेट इज़ अ वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन जो नाउन की मीनिंग को कुछ भी ऐड करे कुछ भी द वर्ड कुछ भी मस्ट बी इन योर माइंड तो ये जो कुछ भी जो हम नाउन की मीनिंग को ऐड करें उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं इसके बाद एक्ज़ाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव आई डोंट नो you यू यू हैव it येस इज आई वी डिड बेसिकली तो मैंने आपको एग्ज़ैम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव भी दी जिस जिसने नहीं देखी है वो यहाँ देख सकता है तो ये सारी एग्ज़ाम्पल्स uh, आप अच्छे से देख लेना इसमें जो लास्ट दो एग्ज़ाम्पल्स हैं जो पहली बार देख रहे हैं उनको उनको uh, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी लेकिन डू विज़िट माई वीडियोज़ जो मेरे वीडियोज़ हैं इससे पहले उनको देखो अच्छे से आपको समझ में आएगा आ बेसिकली एक्चुअली एक आर्टिकल और द ए एक आर्टिकल है बट बेसिकली उनको इनको एडजटिवस कहते हैं दैट्स वाई आर्टिकल्स बजात खुद वो नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसके बाद तो ये हो गया था ये एडजेक्टिव्स का किस्सा इसके बाद आ, आगे जाते हैं प्रोनाउन प्रोनाउन क्या होता है एक छोटे बच्चों के के सिलेबस में ये होता है प्रोनाउन क्या होता है तो ये एक वर्ड है जो नाउन के बजाय इस्तेमाल किया जाए जो नाउन के बजाय इस्तेमाल किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पर लिखा जॉन जॉन इज़ अ बॉय जॉन एक लड़का है तो यहाँ पे नाउन कौन है जॉन है बॉय भी है ओब्सली लेकिन मैं नाउन जो है जो वहाँ पे पहला नाउन है वो है जॉन तो जॉन के बजाय मैं लिखूँगा ही, ही लिखूँगा जॉन के बजाय ही लिवस इन समयर गांधरबल ही लिवज़ इन गांधरबल तो ये जो ही है ये जॉन के बजाय इस्तेमाल हुआ तो ही बन गया ही बन गया यहाँ पे प्रनाउन uh, क्यों क्योंकि ये जॉन के बजाय इस्तेमाल हो गया ठीक है ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा बहुत बार आगे चलते हैं तो एग्ज़ाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन देख लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल पहली जो एग्ज़ाम्पल है इशरत इज़ माई सिस्टर यहाँ पे माई दो बार मुझे हो गया है ये एक ही बार है ठीक है ये यह यहाँ पे माई मैंने दो बार लिखा है ये एक ही बार है तो ही इशरत इज़ माई सिस्टर इशरत मेरी बहन है एंड शी मुझे लिखना था बेसिकली इशरत इज़ माई सिस्टर एंड इशरत स्टडीज़ इन क्लास अलेवेंथ बट बट मैं अब क्यों बार बार रिपीट करूँ इशरत 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 मैं लिखूँगा उसके बजाय शी तो शी स्टडीज़ इन क्लास शी स्टडीज़ इन क्लास अलेवन्थ ठीक है तो आगे चलते हैं जॉन इज़ एबसेंट जॉन एब्सेंट है तो जॉन के बजाय अब मैं लिखूँगा ही बिकॉज ही इज़ इल वो एबसेंट इसलिए है क्योंकि वो बीमार है क्योंकि मैं नहीं कहूँगा क्योंकि जॉन बीमार है मैं क्योंकि वो वो मीनस ही तो ही इस्तेमाल हो गया जॉन के बजाय तो इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं प्रोनाउन आगे चलते हैं द बुक्स आर वायर यू लेफ्ट देम द बुक्स आर किताबें वहीं पर वायर यू लेफ्ट देम जहाँ पर आपने उनको छोड़ जहाँ पे आपने उन किताबों को छोड़ा या जहाँ पे उन, उनको आपने छोड़ा ये उनको देम देम जो है ये बुक्स के बजाय इस्तेमाल हो गया तो इसे भी हम प्रोनाउन कहेंगे आगे चलते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन्स जो होते हैं या उन्हें हम सब्जेक्ट्स भी कहते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन जो है वो बेसिकली जो है वो तीन किस्म का होता है प्रोनाउन्स बेसिकली मैन जो प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउंस है वो तीन है एक एक है पहले मैं यहाँ पर दिखाता हूँ एक जो है वो है ये इसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन वो होता है जो पहले बात स्टार्ट करे जो बात स्टार्ट करे स्टार्ट जो बात करे जो बात शुरू करे जो बात शुरू करे उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं सिमिलरली जो सेकंड पर्सन होता है वो वो होता है जो बात सुने जो बात सुने उसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन जो बात को सुने उसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन ठीक है सुनना थोड़ा सा मैं लिखूंगा यहाँ पे सुनना जो बात को सुने उसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए वो लड़का हो लड़की हो या कोई चीज़ हो या या बहुत सारे चीज़ हो या बहुत सारे लड़के हो या बहुत सारी लड़कियाँ हो तो जिसके बारे में बात की जाए वन हु इज़ टॉकड अबाउट तो उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन ठीक है तो तीन पर्सनस होते हैं फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन इंग्लिश में तो इंग्लिश में कितने पर्सनस हैं तीन पर्सनस है फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात स्टार्ट करे जो मैंने ऑलरेडी कहा सेकेंड पर्सन वो होता है जो बात सुने जो मैंने कहा थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाए तो उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं अब यहाँ पे लिखा है सिंगुलर और प्लुलर वो क्या होता है अगर फर्स्ट पर्सन सिर्फ़ एक बंदा है ए फर्स्ट पर्सन इज़ ओनली वन पर्सन इज़ ओनली वन एक ही आदमी है एक ही आदमी बात कर रहा है तो वो सिंगुलर हो गया अगर जो बात करने वाला है तो वो फर्स्ट पर्सन है अगर वो दो से दो या दो से ज़्यादा होंगे तो वो प्लूरल बन गए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे साथ कोई और सर आपके साथ बात कर रहा है फिर कोई और सर सा आपके साथ बात कर रहा है तो हम हो गए फर्स्ट पर्सन क्योंकि हमने बात स्टार्ट की लेकिन हम प्लूरल इसलिए हैं क्योंकि हम अब बहुत सारे हैं अगर मैं सिर्फ एक मैंने बात स्टार्ट की मैं एक बंदा बंदाऊँ तो मैं सिंगुलर रहा प्लूरल क्योंकि मैं डबल हो गया दो दो से ज़्यादा हो गया जो बात सुने अगर वो सिर्फ एक स्टूडेंट है तो वो सिंगुलर है अगर वो बहुत सारे स्टूडेंट्स बात सुन रहे हैं क्योंकि सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला सेकंड पर्सन सिंगुलर एक सुनने वाला सेकंड पर्सन प्लूरल बहुत सारे सुनने वाले ठीक है थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर एक इंसान के बारे में बात की जाए वो लड़का हो या लड़की हो या चीज़ हो तो उसे हम कहते हैं जिसे बारे में बात की जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं लेकिन अगर वो एक हो तो उसे सिंगुलर कहते हैं अगर बहुत सारी लड़कियाँ हो बहुत सारे लड़के हो या बहुत सारे चीज़ हो उनके बारे में बात की जाए तो उन्हें हम प्लूरल कहते हैं जिनके बारे में बात की जाए उन्हें हम थर्ड पर्सन कहते हैं हम आगे चलते हैं तो इसको मैं बंद करता हूँ अब यहाँ से देखते अगर फर्स्ट पर्सन हो जो एक ही जो बंदा एक ही बात करे जो पहले स्टार्ट करे बात अगर वो एक ही है तो हम उसे कहते हैं आई फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे आपको सलाह देनी है कोई एडवाइस देनी मैं कहूँगा आई एम एडवाइजिंग यू आई एम सजेस्टिंग यू अगर मेरे साथ कोई दूसरा तो ये होगा सिंगुलर अब फर्स्ट पर्सन पिलुरल क्या होता है अगर मेरे साथ कोई और हो जैसे कि अगर मेरे साथ कोई और हो तो उसे हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल उसे हम कहते हैं हुई उसे हम कहते हैं फिर हम कहते हैं हुई तो अगर मुझ हम मेरे साथ एक और सर है फिर एक और सर है दो चार सर हम हैं हम आपसे बात करें तो हम कहेंगे खुद को वी आर टॉकिंग टू यू वी वॉन्ट टू से यू वी आर डूइंग दिस वी आर डूइंग दैट तो इसे हम प्लियल कहते हैं याद रखना है इन्हें सब्जेक्ट्स भी कहते हैं ठीक है क्योंकि वर्ब में जब मैं टेंथेस पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो उस वक्त मैं बोलूंगा आपको कि सब्जेक्ट ये है वर्ब ऐसे तो सेकंड पर्सन सिंगुलर जो है सेकंड पर्सन जो बात सुने वो यू होता है एक ही फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक स्टूडेंट है तो मैं उसे कहूँगा यू आर अ गुड स्टूडेंट यू आर यू आर स्टूडेंट ठीक है तो अगर सुनने वाला सेकेंड पर्सन होता है सुनने वाला अगर वो एक ही है तो मैं उसे यू कहूँगा अगर वह बहुत सारे हैं तो तो भी मैं उनके साथ यू ही इस्तेमाल करूंगा जैसे कि अगर मुझे एक स्टूडेंट को कहना है कि तुम अच्छे हो मैं कहूंगा उसे यू आर गुड अगर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहना है कि तुम अच्छे हो तो मैं उन्हें कहूंगा यू आर गुड तो बात एक ही है एक के साथ भी हम यू ही इस्तेमाल करते हैं बहुत सारों के साथ भी हम यू ही इस्तेमाल करते हैं सिमिलरली अगर कोई बोलता है आपको वायर वाज़ यू ये गलत है वायर वाज़ यू क्योंकि यू के साथ हर वक्त प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है वायर व यू वायर व यू यू के साथ हर वक्त नोट दिस अपने कॉपी पे लिख लो कि यू के साथ हर वक्त प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है ठीक है आगे चलते थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसके बारे में बात की जाए अगर वो लड़का है तो ही अगर वो लड़की है तो अगर वो लड़का है तो ही अगर वो लड़की है तो शी अगर वो चीज़ है तो इट अगर मुझे एक वहाँ पे एक लड़का है तो मुझे जिसके बारे में बात की मुझे कहना ये अच्छा लड़का है मैं कहूँगा ही इज़ गुड बॉय मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मैं मुझे उसके बारे में बात करनी है तो ही इज़ गुड बॉय अगर वो लड़की है तो शी इज़ गुड गर्ल तो इसी तरीके से अगर कोई चीज़ है तो इट इज़ अ गुड थिंग तो थर्ड पर्सन प्लूरल अगर बहुत सारी लड़के हो बहुत सारी लड़कियाँ या बहुत सारी चीज़ हो तो उनके साथ हम दे इस्तेमाल करते हैं मैं कहूँगा दे आर गुड बॉयज़ दे आर गुड पीपल दे आर गुड गर्ल्स दे आर गुड थिंग्स तो थर्ड पर्सन पिलुरल इसमें कोई आपको जेंडर नहीं है हाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपको जेंडर है लेकिन थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपको जेंडर है लेकिन थर्ड पर्सन पल्यूरल में आपको जेंडर नहीं है हम चलते हैं आगे तो इंशाल्लाह ये हम कल करेंगे वर्ब का ठीक है